दोस्तों G20 की मीटिंग के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन आयोजित किया जाएगा, पर अब इसके ठीक पहले भारत ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर सभी परमानेंट देशों के होश उड़ गए, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं दी जाती तो हम यूनाइटेड नेशन के सामने इस तरह का कदम उठाएंगे, जो ये बात साफ कर देता है कि भारत अपनी परमानेंट सदस्यता को लेकर काफी गंभीर है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात काफी रोचक है कि 19 सितंबर से शुरू होने वाले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन को अटेंड करने भारत के प्रधानमंत्री खुद नहीं जाएंगे, बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचेंगे। बता दें कि ये डेवलपमेंट एक ऐसे समय पर सामने आ रही है जब दुनिया भर के दर्जनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अगले कुछ ही दिनों में G20 समिट के लिए भारत में होंगे। पर सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी के यूनाइटेड नेशन में ना जाने के पीछे क्या वजह है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि भारत पिछले काफी समय से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव चाहता है। हम हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि अगर हमें इस संगठन की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना है तो इसमें समय के साथ बदलाव जरूरी है। आज दुनिया भर के कई देश आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर वे संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता के साथ साथ वीटो पावर के हकदार बन चुके हैं, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। पर पांचों स्थायी सदस्य इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हैं, इसीलिए पिछले कुछ महीनों से भारत की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में पीएम मोदी का संयुक्त राष्ट्र में जनरल सेशन को अटेंड नहीं करना साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सामने अपनी नाराजगी दर्शाना चाहता है। बता दें कि भारत को कई अफ्रीकी देश भी समर्थन देते हैं, क्योंकि ये देश भी चाहते हैं कि दुनिया में सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व मिले और संयुक्त राष्ट्र में बदलाव किए जाएं, जिससे आने वाले समय में जो भी फैसले होंगे वे किसी एक महाद्वीप के लिए ज्यादा फायदेमंद ना साबित हो और सभी को बराबर का हक मिल सके। हाल ही में वीटो पावर और संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर बातचीत करते हुए हमारे विदेश मंत्री ने भी काफी बड़े बयान दिए। उन्होंने खुलकर ये बात कही कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव ना करना और भारत को वीटो पावर से दूर रखना इस संगठन की क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवाल खड़े करता है। आने वाले समय में अगर भारत जैसी आर्थिक महाशक्ति को परमानेंट सदस्यता से दूर रखा गया तो यूनाइटेड नेशन ज्यादा लंबे समय तक अपनी ताकत बरकरार नहीं रख सकेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थायी देश संयुक्त राष्ट्र को एक बस की तरह समझ रहे हैं, जिसमें उन्हें आज से कई दशकों पहले जो आगे की सीट मिली वह उसे छोड़कर पीछे आना ही नहीं चाहती, जबकि दूसरे कई देश आज आगे आने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे में हमें इस बात को समझना होगा कि वक्त के साथ बदलाव जरूरी है ताकि सभी देशों को बराबर के अधिकार मिल सके, जिससे हम ये बात खुलकर समझ सकते हैं कि आज भारत संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर इतना गंभीर हो चुका है कि हमारे प्रधानमंत्री जनरल असेंबली के सेशन तक को अटेंड करने नहीं जाना चाहते। दोस्तों, जब कोई लीडर किसी समिट या मीटिंग को अटेंड करने खुद नहीं जाता तो इसे सभी के लिए एक मैसेज माना जाता है। आपने देखा कि पश्चिमी देशों को मैसेज भेजने के लिए रूसी राष्ट्रपति ने G20 को अटेंड करने से मना कर दिया और अब शी जिनपिंग के भी इसमें शामिल होने की संभावना काफी कम है, जो वो रूस के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली सेशन को अटेंड न करना पूरी दुनिया के लिए काफी बड़ा मैसेज होगा। हालांकि कुछ समय पहले ऐसा लगने लगा था कि संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि तब इस बात पर सहमति बन गई थी कि यूएनएससी में अस्थायी देशों की संख्या को बढ़ाकर 10 से 25 कर दिया जाएगा और स्थायी देशों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मौजूदा 5 स्थायी देशों ने एक बड़ी चाल ये चली कि उन्होंने कहा कि भले ही स्थायी देशों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो नए स्थायी देश शामिल होंगे उन्हें वीटो पावर नहीं मिलेगी, जिससे भारत कभी भी सहमत नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें इस बात को भी समझना होगा कि समय समय पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने भारत को परमानेंट सदस्यता को लेकर अपना समर्थन दिखाया, पर चीन अभी भी भारत के खिलाफ है। पर भले ही चीन के अलावा ये सभी देश भारत को अपना समर्थन दिखा रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चीजों को बदलने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और यही चीज भारत को काफी गुस्सा दिला रही है, जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँच गई कि हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन के सेशन तक को अटेंड करने नहीं जाने वाले। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत उस स्थिति में आ चुका है जहां पर हम संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डालने के लिए काफी बड़े कदम उठाने को तैयार हो चुके हैं और आने वाले समय में अगर इस संगठन में बड़े बदलाव नहीं किए गए तो कोई हैरानी नहीं होगी अगर भारत संयुक्त राष्ट्र के बजाय दूसरे संगठनों पर विचार करें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।